हेलो दोस्तों, आपका इस टेक्निकल ज्ञान वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रणव नायक आपको आज सिखाने वाला हूं कि किस तरह से एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में जो ड्रेनेज इशू है जिसके कारण मशीन काम नहीं करती, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस मशीन में हम लोग देख रहे हैं कि DE लिखा हुआ था और साथ में बाकी ऑयलिंग मशीन बंद हो चुका है। अभी आज हम लोग इसको रिपेयर करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके वाटर ड्रेनेज सिस्टम को, वाटर सप्लाई को खोलते हैं। उसको पहले हम लोग रिमूव कर लेते हैं, फिर इसका जो पीछे ड्रेन सिस्टम है उस पाइप को भी हम लोग रिमूव कर लेंगे। फिर एक रैट गार्ड लगा हुआ है पीछे, इस रैट जिससे कि चूहा अंदर ना आ सके मशीन में, ये एक रैट गार्ड लगा रहता है। इस रैट गार्ड को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। हटा के हम लोग देखते हैं नीचे जो ये ड्रेन सिस्टम है, ये पाइप, इसी से जो टब का जो पानी है वो बाहर की ओर आता है और इसी में जो है वो हमारी प्रॉब्लम आई हुई है। तो अब हम लोग इसको धीरे से खोलते हैं। पहले ये जो क्लिप है इसको धीरे से पुश करेंगे, दबाएंगे और ये बाहर की ओर आएगा और फिर हम लोग इसको निकालते हैं। इसको जनरली वाटर टब में जो गंदगी होती है कभी कभी वो यहाँ पर आ जाती है और यहाँ फंस जाती है, इसी जगह पे फंस जाती है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर दिखाऊंगा। ये जो बटन है, ये जब कपड़ा साफ़ हो जाता है उसके बाद मशीन जब ड्रेन करती है तो इसी को खींचती है मशीन और यहाँ पर पानी बाहर आता है। मैं थोड़ा सा क्लीन कैमरा, उसको थोड़ा कैमरा का व्यू सही करके आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे ये काम करता है ये। हाँ, तो अभी आप देखिए इसको, ये मशीन खींचती है तो ये यहाँ पर ये क्लीन होता है और यहीं से सारा ड्रेनेज सिस्टम पानी का बाहर आता है। अब तो यहाँ पर तो मेरा देख रहे हैं कि कोई उतनी गंदगी है नहीं, तो वो क्यों फिर भी ऐसा हो रहा है कि ड्रेन नहीं हो। तो ये जो ट्यूब है इसको मैं देखता हूँ कहीं इसमें तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर सारी गंदगी भरी पड़ी है, इसी के चलते पानी जो है वो बाहर ड्रेन नहीं हो पा रहा है और मशीन काम करना बंद कर चुकी है सही से। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। तो ये मैंने उसको क्लीन करके लगा दिया, ये देखिए क्लीन कर दिया है और इससे इतना सारा जो गंदगी वो बाहर निकली है। अब हम इसको दोबारा ही इसमें लगा देते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये क्लिप ज़रूरी है क्योंकि ये उसका लॉकिंग सिस्टम है, वरना ये पानी पूरे घर में आपका बह जाएगा अगर ये ट्यूब बाहर आ गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फोर्स से पानी बाहर फेंकती है। जब इसका वॉशिंग हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फोर्स से ये बाहर फेंकती है। इसको हम लोग सही से लगा देते हैं और उसके बाद हम लोग ये रेड गार्ड को नीचे से कवर कर देते हैं ताकि चूहा इसमें ना घुस सके। अब देखिए दोस्तों, इसको लगाने के बाद इसको हम सीधा करते हैं। तो अब स्विच दिए तो देखिए अब स्पिन स्टार्ट हो गया है। स्पिन फुली ऑटोमेटिक मशीन में तभी स्टार्ट होता है जब उसका सारा पानी ड्रेन हो जाए। तो इस मशीन में सारा ही पानी ड्रेन हो गया है तभी ये स्पिन स्टार्ट हुआ है। और ये जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो पानी का ब्लॉकेज जिसके कारण से हमारी मशीन नहीं चल रही थी, अब वो अच्छी तरह से चलने लगी है। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरह से चलने लगी है मशीन। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया और ये आपके काम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा जिससे मेरी अगली वीडियो आपको फिर से मिल सके जब भी मैं अपलोड करूं। थैंक्स, शुक्रिया दोस्तों। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।